देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप अभी यहां? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे पता है, मैंने कोर्ट में रेशमा भाभी के बारे में जो कहा उससे आपको तकलीफ हुई होगी। मैं समझ सकता हूं। मैंने आपको जेल से बाहर निकलने में बहुत मदद की थी। प्लीज अब आप कीजिए। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या किया तूने मेरी रेशमा के साथ? मिस्टर विजय, मैं उनके साथ क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपका हंसता खेलता संसार देखना चाहता था। चुप! ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। तेरे बारे में मैं अच्छे से जान चुका हूँ। मुझे पता है मेरा सुखी संसार तूने ही उजाड़ा। तूने क्या किया मेरी रेशमा के साथ? तूने खून किया ना उसका? अगर तूने ऐसा कुछ किया तो उसकी बॉडी कहाँ है बता दे मुझे। कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो करने दो। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मुझे बताओ ना मेरी रेशमा का, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मिस्टर विजय, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। चाहे तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे रेशमा भाभी तो मेरी बहन जैसी थी। घटिया इंसान, ऐसे झूठ बोलने में तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? मिस्टर विजय, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कहीं आपको पागलपन के दौरे तो नहीं पड़ते? देखिए मुझे यहाँ से बाहर आने दीजिए, मैं आपकी ट्रीटमेंट करूंगा। अरे नीच आदमी, कहाँ चुकाएगा ये सारे पाप? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जैसे ही तू यहाँ से बाहर आएगा ना, जान ले लूंगा मैं तेरी। मुझे बता, वाड़े में जो मेरा कंकाल वो रेशमा का था? सच बता। चल, मैं ढूंढे बगैर चुपके बैठूंगा। बजा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रेशमा भाभी और मंजू का नाम खराब नहीं करना चाहिए था उन्हें। ए गधे, तेरा दिमाग अभी तक वहीं पर है क्या? देख नामिया, क्या सच क्या झूठ वो नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मुझे डॉक्टर साहब पर भरोसा, वो कभी आने कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ तू कुछ भी बोल बजिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसी बदनामी नहीं करनी चाहिए थी उनकी। ए गधे, अगर वो खुद को फांसी पर चढ़ा देते तब जाकर तुझे क्या उन पर भरोसा होता? डॉक्टर साहब के बारे में एक भी गलत शब्द जो तूने कहा ना, तो तेरे मैं दांत तोड़ दूंगा। ए बजिया, तू कुछ भी बोल, मुझे नहीं अच्छा लगा। उन्हें ऐसी बदनामी नहीं करनी चाहिए थी उनकी। सच बोल रहे तू नामिया? नामिया सच बोल रहा है बजिया। विजय भाई, उस डॉक्टर ने कोर्ट के अंदर सबके सामने मेरी रेशमा की बदनामी की रे। मेरी रेशमा ऐसी नहीं थी, भोली थी वो। उसके भोलेपन का फायदा उठाया उस डॉक्टर ने। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं, उसकी जान ले लूंगा जान। विजय भैया, मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। पिछली बार भी शराब पीकर ऐसे ही बोल रहे थे आप डॉक्टर साहब के बारे में। बस अब मत बोलिएगा, घर जाइए। बोलूंगा मैं, बोलूंगा। क्या करेगा तू? अरे इतने सालों तक मेरे पैसों से पल रहा था तू, और अब उस डॉक्टर की गुलामी कर रहा है। हाँ, शर्म नहीं आती तुझे बजा? ये सब क्या बोल रहे विजय भाई आप? पैसों पर पल रहा था, आखिरी बार बोल रहा हूं। डॉक्टर मेरे लिए भगवान का अवतार है। अरे बजा, कैसे बताऊं मैं तुझे, तेरे सामने सर फोड़ लूं क्या अपना? अरे वो भगवान का अवतार नहीं है, वो अव्वल दर्जे का अहवाल है। बजा, शांत हो। उनको बोल वरना। अरे बजा, उनकी बीवी गायब है, प्यार करते थे, तकलीफ नहीं होगी उन्हें। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि डॉक्टर साहब ने गायब किया है रेशमा भाभी को। ठीक है, डॉक्टर ने गायब नहीं किया, फिर किसने किया बता? डॉक्टर गुनेगार नहीं है ना, फिर गुनेगार कौन है बता? अरे अगर डॉक्टर साहब ने गायब किया होता तो वो गांव में क्यों रहते ये बता? अरे क्यों रहते गांव में? जैन सर, साहब उस इंटरव्यू केस के बारे में बोलना था। कौन सा इंटरव्यू? साहब ऐसा मत कहिए कि आपको कुछ पता ही नहीं है। आपने उस देवी सिंह को इंटरव्यू देने की परमिशन दी कैसे? ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो?
कौन से इंटरव्यू के बारे में बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप एक गुनहगार का साथ दे रहे हैं, आपको मालूम है? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? सबूत तो मैं ढूंढ लूंगा, मगर आपने जो वर्दी पहनी है ना। ए सुनो, उससे ठीक तरह से बात करो। मैंने कहा ना तुमसे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये तुमसे किसने कहा कि यहाँ पर कोई इंटरव्यू हुआ है? आप ऐसा मत समझिए साहब कि गुनहगार को पकड़ने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उसकी हर हरकत पर हमारी पैनी नजर होती है। हमें मिली कोई भी खबर झूठी नहीं हो सकती। इतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। यहाँ हर कैदी के ऊपर हमारी नजर रहती है। हवा में तीर मत छोड़ो इस तरह, समझे क्या? ये तो जल्दी ही पता चलेगा। जांच के लिए मैं कोर्ट में जाऊंगा। कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें जो भी करना है ना, जाकर कर सकते हो। चलो निकलो। मैं फुटपाथ पर रहता था, सर्दी में ठिठुर जाता था। कभी कभी लोग अपना झूठा खाना कचरे में फेंक देते हैं ना, वो खाकर भी गुजारा किया। इन सारी बातों से तकलीफ होती है मुझे। सॉरी। नहीं, सॉरी से मेरे जख्म कभी भी नहीं भर जाएंगे, क्योंकि जो मैंने भुगता है वो किसी और को ना भुगतना पड़े, यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है। मुझे बहुत पसंद है लोगों की सेवा करना। मंगल भाभी, बाबू भैया, देखा आपने कितने दुख में दिन निकाले डॉक्टर साहब ने। बहुत तकलीफ होती है मुझे, जिसका कोई नहीं होता मैं गरीबों की वही सबका होता है। उनकी मुफ्त में ट्रीटमेंट करता हूँ, भविष्य में मुझे गरीबों के इसीलिए एक बड़ा इसीलिए डॉक्टर साहब सबकी दिल से सेवा करते हैं। कौन सी सेवा रे? उसके बाप ने की थी क्या लोगों को फंसा कर, उनका खून करके लोगों की सेवा? अरे मगरमच्छ के आंसू है उसके। अरे बंद करो टीवी, बंद करो, नहीं तो फोड़ दूंगी मैं टीवी। जी, मत फोड़िए टीवी, मैं अभी बंद करती हूँ। लाठी रख दीजिए। नामिया चल मोबाइल पर देख लेंगे, हज्जी का दिमाग ही खराब हुआ पड़ा है। डॉक्टर, अरे क्या डॉक्टर, कितने बार आवाज दूं तुम्हें? सॉरी, वो किताब पढ़ते वक्त मैं हमेशा खो जाता हूँ, आसपास क्या चलता है कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या गलत है? इंसान का सबसे नजदीक का दोस्त एक किताब होती है। लगता है आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं है। अरे डॉक्टर, मैं किताब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस इंटरव्यू के बारे में बोल रहा हूँ। उसका क्या? अरे डॉक्टर, सब जगह आपका इंटरव्यू फैल रहा है। अरे टीवी के सामने से लोग हिल नहीं रहे, सारे सोशल मीडिया पर भी वही चल रहा है। आपको लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है, उनको आपका कहना सच लग रहा है। सच लगेगा ही, सच्चाई हमेशा मन को भाती है पवार साहब। आप छूट जाओ, सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं। वही तो मुझे चाहिए था, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मेरा रिहा होना तो तय ही था। अब आगे देखिए मैं क्या करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। यस मैडम। ऐसे कैसे इंटरव्यू हुआ? वही मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है मतलब तुम स्कूल में नहीं हो कि मुझे आंसर पता नहीं कहके नीचे बैठ गए? मुझे इसके पूरे डिटेल्स चाहिए। यस मैडम। उसको परमिशन किसने दी? लगता है जेलर साहब ने परमिशन दिए, पर वो मान नहीं रहे। तो जिसके पास से टिप मिली उसे पकड़ो, उससे कंफर्म करो और फिर जेलर की कंप्लेंट कर दो। मैडम वो हवलदार नौकरी जाने के डर से सबके सामने आने से डर रहा है। ये क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में? ऐसे उस देवी सिंह को फांसी पे चढ़ाएंगे? आप एक काम कीजिए, जिस लड़की ने उसका इंटरव्यू किया है उसे पकड़ो, उसकी पूछताछ करो। लोगों के दिल में इस इंटरव्यू की वजह से सिंपैथी क्रिएट हुई है। जी मैडम, लोगों को वो गरीब और बेचारा लगने लगा है। उसने कुछ नहीं किया है, हम ही उसे तकलीफ दे रहे हैं ऐसा उन्हें लगता है। यही तो चाहता था वो, उसने जानबूझ के ऐसा इंटरव्यू दिया है। मैं अच्छे से जानती हूँ उस देवी सिंह को, एक नंबर का शातिर इंसान है वो। एक दो बार मिलकर मुझे भी ऐसा ही लगा। मैडम मैं इस घटना की डिटेल में पूछताछ करूंगा। सिर्फ बातें नहीं सुननी मुझे, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। लोगों के लिए वो देवी सिंह हीरो नहीं बनना चाहिए, अंडरस्टैंड? यस मैडम। आपका बचपन कैसा गुजरा? हमारी हालत बहुत खराब थी, मैं फुटपाथ पर रहता था, सर्दी में ठिठुर जाता था। मेरे पेट में भूख होती थी, लेकिन उससे बड़ी भूख थी समाज की सेवा करने की, पढ़ने की भूख थी। मैं आई कम इन? आइए।
शिंदे ये क्या हो रहा है? सारी दुनिया को पता चल गया, आखिर इसका इंटरव्यू हुआ कैसे? पूछताछ चल रही है हमारी, हमें पता लगता है हम वहाँ जा रहे थे, लेकिन हमारे पहुँचने से पहले इंटरव्यू हो चुका था। इतना होशियार, चालाक और शातिर आदमी मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा। रिजल्ट आने से पहले ही हवा का रुख बदल दिया इसने। इतना सारा झूठ फैलाकर, झूठी बातें बोलकर लोगों की सिंपतियां हासिल कर रहा है ये। आपको सच में लगता है कि इन सब का इस केस पर कोई परिणाम होगा? कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ, इस सब से दबाव जरूर बन सकता है। ये देवी सिंह जो है ना, सब जानबूझकर कर रहा है। इसकी किसी भी बात को अब हम हल्के में नहीं ले सकते। मैम, मैं अंदर आ सकता हूँ? आपको जज साहब ने बुलाया है। जज साहब ने बुलाया है? किस लिए बुलाया होगा मुझे? रेशमा और मंजू, इनका चाल चलन ठीक नहीं था। डॉक्टर अजीत कुमार देव, इन्होंने हमेशा उनकी मदद की। आगे जाकर ये दोनों ऐसा करेंगे, इसकी कल्पना डॉक्टर अजीत कुमार देव को नहीं थी। मंजू, अरे ये क्या छपा है? बजा, अरे बस भी करेगा अभी है, आंखें फूट जाएगी। बार बार देखने से डॉक्टर कुछ और कहेंगे क्या? ए गधे, तुझे क्या हुआ है रे? तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जरा देख 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 ना एक बार, क्या कुछ नहीं सहा है इस भोले और भले इंसान ने। देखा ना मियां, इनकी ये बातें सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हाँ है ना, तू तो बहुत डॉक्टर डॉक्टर करता है, फिर तो तेरी आंखों में सुनामी आनी चाहिए। हाँ तो डॉक्टर साहब है ही ऐसे। हाँ, भगवान के अवतार है, ऐसे ही नहीं कहता मैं। हाँ नामिया, इतने दिन से वो गांव में रह रहे हैं, लेकिन कभी किसी को पता चलने दिया कि उन्होंने कितना दुख सहन किया है? देख तो सही कितना दर्द है इनकी कहानी में। तुझे पता है नामिया, लाख रुपए हार जाओ ना लाख रुपए, तो भी इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ ये वीडियो देखकर मुझे हो रही है। ये जो तू इसको बार बार सुनता रहता है ना, उससे तकलीफ होती है मुझे। अबे गधे, तो तू देख ही मत ना और सुन भी मत। पर मैं तो देखूंगा भी और सुनूंगा भी। तुझे बता देता हूँ, ये वीडियो मैं दिन भर देखूंगा। अरे दिन भर ही क्या, जीवन भर देखूंगा। हाँ, जब मेरे बच्चे होंगे ना, तो उन्हें भी ये दिखाऊंगा और सुनाऊंगा भी, और साथ में ये भी कहूंगा कि जिंदगी में कुछ बनना होगा ना, तो ऐसे ही बनना, डॉक्टर साहब जैसे। हाँ, डॉक्टर की जैसे। और क्या करना है? जेल में जाना है। ए नामिया। नामिया क्या नामिया? बजा, देख तू तू बहुत बोला है, अगर किसी पे भरोसा किया ना तो किया, आगे पीछे का सोचता ही नहीं है तू। लेकिन मेरा ना धीरे धीरे डॉक्टर पर से विश्वास उठते जा रहा है, उनकी सारी बातें झूठ लग रही है मुझे। नामिया, ये क्या कह रहा है तू? डॉक्टर साहब जैसा सच्चा इंसान पूरे गांव में, जिले में, तालुके में, देश में, पूरी दुनिया में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। है ना, ये देख पेपर, डॉक्टर ने क्या किया देख। अरे हमारी मंजू, रेशमा भाभी, उनकी कितनी इज्जत करते थे हम, ये डॉक्टर ने ना कोर्ट के अंदर उनकी इज्जत का तमाशा बनाया, और सारे लोग डॉक्टर की बोली बोलने लगे, उनकी चरित्र पर कीचड़ उछालने लगे। भैया, हमें जैसे लगते हैं ना डॉक्टर, वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। हमें नहीं, तुझे लगते हैं जैसे। इतना बोलेगा भगवान के अवतार को सिर्फ तेरी उधारी के लिए? देख ना मियां, तू अगर अपनी दोस्ती तोड़ना चाहता है तो मुझे सीधे सीधे बता, अपनी दोस्ती तोड़ दूंगा एक ही घुसे में। पर डॉक्टर के खिलाफ एक गलत शब्द नहीं सुनूंगा, बोल देता हूँ, अगली बार बोलूंगा नहीं। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है उनके बारे में बोलने की। अरे मुझे उनका नाम लेने के लिए भी शर्म आती है ये पढ़ने के बाद। अगर मेरी ही ऐसी हालत है, हमारे विजय भाई, अमर भाई, ये पढ़ने के बाद उनकी क्या हालत होती होगी? अगर आप डॉक्टर नहीं बनते तो आप क्या बनना पसंद करते? अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाता तो समाज सेवक बन जाता, या फिर मैं आर्मी ज्वाइन करता और देश की सेवा करता। मुझे बहुत पसंद है लोगों की सेवा करना, किसी ना किसी तरह से मैं लोगों की। ये जो सब चल रहा है तुम समझी क्या? हाँ सर, ये सब वो लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए कर रहा है, ये तो तय है। तुम जैसी काबिल वकील को उसने चुप करा दिया। आपने जो कुछ सबूत उसके सामने रखे, उसने वो सभी क्रॉस क्वेश्चनिंग से खत्म कर दिए। सर हम हिम्मत नहीं हारने वाले हैं, अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं।
और कुछ भी हो जाए वो इतनी आसानी से तो नहीं छूट सकता। तो अब आप क्या करने वाली? उसने डॉक्टर होने का सबूत कोर्ट में पेश किया और इस मुलाकात से लोगों पर उसका प्रभाव और बढ़ चुका है। ये सब उसका नाटक है सर, वो लोगों से सिंपैथी हासिल करने का खेल खेल रहा है। कोर्ट सुनी हुई बातों पर अपना फैसला नहीं देती है मिस आर्या, उसके लिए सबूत चाहिए। आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अगर वो सच में दोषी है तो ऐसा सबूत लाइए कि सच में वो उसे नकार ना सके। ये लो पेपर पढ़ो। मुझे लगता है डॉक्टर अजीत कुमार जैसे भगवान इंसान पर ऐसी गलत चाल चलन की औरतों का खून का इल्जाम लगा तो लोगों में असंतोष फैल जाएगा। सही कहा आपने, जरा सोचो उनमें से एक किसी दूसरे का हाथ पकड़ के भाग गई होगी तो, और दूसरी ने बाहर के लोगों को पता चलेगा इस डर से आत्महत्या तो नहीं कर ली। मेरा कहना है कि अपने घर वालों को संभालो, खुद की औरतों को संभाल नहीं सकते और भगवान जैसे इंसान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ए चलो डॉक्टर आ गए। हाँ डॉक्टर आ गए। डॉक्टर आ गए। चलो चलो। खुद की औरतों को संभाल नहीं सकते और भगवान जैसे इंसान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हर पति को अपनी पत्नी पसंद आती है ऐसा नहीं होता। अगर आपको वो पसंद थी तो जब उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था तब वो ट्रीटमेंट लेने मेरे पास आई, तब उनके शरीर पर किसी के मारने के निशान थे। मिस्टर विजय, आपके इसी बर्ताव की वजह से आपकी पत्नी किसी दूसरे मर्द का हाथ पकड़कर भाग गई है। डॉक्टर, लोगों को यकीन है कि आप निर्दोष हो, फिर भी आपको इस केस में फंसाया जा रहा है। रेशमा मंजू ये गलत चाल चलन की थी, लेकिन उनके केस में आपका हाथ नहीं है। आपको क्या लगता है आप निर्दोष छूट पाएंगे? देखिए मैम, क्या इंस्पेक्टर मैडम आपको फंसाना चाहती है? आपको क्या लगता है आर्या मैडम अब क्या करेगी? इस केस पर मैं बाद में बोलूंगा, निर्दोष छूटने के बाद। चलिए चलिए आप लोग जाइए, प्लीज प्लीज। डॉक्टर कुछ तो बताइए। क्या तू रख फोन, मैं देखता हूँ। तू रख। क्या हुआ बजिया, ये चेहरा क्यों उतर गया तेरा? क्या हुआ बजिया? डॉक्टर पर हमला हुआ है। क्या? ए भगवान! मम्मी, ऐसे नहीं हो सकता। बाबू, ऐसे क्यों सर पर हाथ रखकर बैठे हो और सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? क्या हो गया? कोर्ट में जाना है ना? अरे बाप रे, यहाँ तो बड़ा ही टेंशन वाला मामला दिख रहा है। लगता है उस कंपाउंडर को फांसी की सजा मिली है। अरे आजी, फांसी नहीं, अरे दाजी पर हमला हुआ है, हमला। हाँ अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अरे ये तो होना ही था, ये सब कर्मों का फल है। ये देख, इंसान जो बोता है ना वही उगता है।
वो अगर यहाँ के कोर्ट से छूटा तो ऊपर वाले के कोर्ट से छूटेगा नहीं। सब हिसाब यही देना है। ए अजया, जाने दे आजी की मुंह मत लग। अभी हम लोग सब जाके देखते वहाँ। चल चल ठीक है। जाओ जाओ, देखो वो जिंदा है या मर गया है। वो काहे का मरेगा हैवान, उसको कीड़े पड़े उसके बदन में। हेलो दिव्या मैडम, उस देवी सिंह पर हमला हुआ है। क्या? ऐसे कैसे हमला हो गया और किसने किया? भीड़ में अचानक किसने हमला किया पता नहीं चला। ये ऐसे जवाब नहीं चाहिए मुझे शिंदे। पुलिस के होते हुए ऐसा हो ही कैसे सकता है? आपको समझ में आ रहा है ना इसका अंजाम क्या हो सकता है? उसे लोगों की और सिंपथी मिलेगी और हम पुलिस वालों पर लोग और शक करेंगे। आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था। सॉरी मैडम, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम अब ध्यान रखिए। जी। अब कैसा है वो और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर से अभी हम लोगों की बात नहीं हुई मैडम। जो भी हो मुझे फौरन अपडेट कीजिए। यस मैडम। डॉक्टर, अब देवी सिंह कैसा है? कुछ क्रिटिकल तो नहीं है ना? मेरे पास सुनिए, आज की रात थोड़ी टेंशन वाली है। सुबह ही कुछ बोल पाएंगे। ओह डॉक्टर, ये क्या बोल रहे हो आप? भगवान के अवतार हैं डॉक्टर। वो जो अंदर है ना, वो हमारे लिए भगवान जैसे। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आपको पैसे चाहिए ना? कितने पैसे चाहिए बताइए मुझे। अपनी सारी जमीन बेच दूंगा और सारे पैसे दे दूंगा, पर डॉक्टर साहब को बचा लीजिए। लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया ना, तो बजरंगबली की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं वो कर दूंगा जिसके बारे में मैं खुद बता नहीं सकता। ए, क्या चल रहा है? ये अस्पताल है, इधर तेरी धमकियां नहीं चलेगी। ओ साहब, धमकी देता है तो जान भी दे सकता है ये बजिया। दुश्मनी में जान ले सकता हूँ और दोस्ती में जान दे सकता हूँ, एक ही गुस्से में। बजिया बजिया शांत हो जा। तू अपना ये गुस्सा कंट्रोल में रख, नहीं तो मुझे कंट्रोल में लाना पड़ेगा। साहब साहब, माफ कीजिए माफ कीजिए बजिया। डॉक्टर उनका काम कर रहे हैं ना, हम बाहर रुकते। चलो। डॉक्टर साहब को कुछ नहीं होना चाहिए बता देता हूँ। कुछ नहीं होगा, चलो कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, बजिया भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हमारे डॉक्टर को कुछ होने मत दीजिएगा, उन्हें बचा लीजिए। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। डिंपल, चलो हम लोग चलते हैं। चल अंदर चल। एक मिनट, किसी को भी परमिशन नहीं है। जब तक हम उसका स्टेटमेंट नहीं ले लेते तब तक अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं है। मैं आई कम इन सर। आइए सर, हमें आज की सुनवाई कैंसिल करनी पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ? आज देवी सिंह पर कोर्ट के बाहर हमला हुआ है। क्या, कोर्ट के बाहर हमला हुआ? किसने किया? भीड़ की वजह से समझ में नहीं आया। हाँ, पर पुलिस जांच कर रही है। अब उसकी हालत कैसी है? कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मैं 8 दिन के बाद की तारीख देता हूँ। थैंक यू सर। डिंपल,
मम्मी, डॉक्टर की हालत देखिए ना कैसी हो गई है। सही कहा, उनकी हालत बहुत खराब है। कितना अच्छा है ये इंसान, इनके साथ ऐसे कैसे हो गया। मम्मी, वो ठीक हो जाएंगे ना? मैं कैसे बता सकती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता है। अब ऊपर वाला क्या चाहता है ये हमें कैसे पता चलेगा। डॉक्टर साहब को कुछ नहीं होगा, भगवान के अवतार है वो। बस एक बार पता चल जाए कि हमला किसने किया, उसे ढेर कर दूंगा एक ही गुस्से में। बच्चा शांत हो जाओ जरा। अरे कैसे शांत हो जाऊं, तू ही बताना कैसे शांत हो जाऊं। डॉक्टर ने क्या कहा तूने सुना ना? आज की रात डॉक्टर साहब के लिए भारी रहने वाली है। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने इस मन को कि डॉक्टर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उनको, पर फिर भी फिक्र हो रही है, डर लग रहा है। एक बार पता चल जाए कि हमला किसने किया है फिर देखना। उसे जिंदा गाड़ नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी बचिया नहीं। ए, एक बार समझाने पर समझ नहीं आया तुझे? ये अस्पताल है, इधर कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, इसलिए शांत रहना। रहता हूं ना, शांति से रहता हूं, और आप भी शांति से ही बैठिए। ये क्या है शिंदे साहब, आपकी सुरक्षा में थे ना डॉक्टर, तो फिर ये सब कैसे हो गया? कहीं आप ही ने तो हमला नहीं किया ना? नहीं नहीं, दिव्या मैडम ने ही बदला लेने के लिए प्लान करके डॉक्टर साहब को फंसाया है। पर अब सबूत नहीं मिल रहे और डॉक्टर निर्दोष छूटने वाले हैं, इसीलिए आप ही ने हमला किया है ना। हाँ, तो किससे बात कर रहा है, तुझे समझ आ रहा है? समझ रहा हूँ, अच्छे से समझ रहा हूँ। आपने नहीं किया है ना हमला? नहीं किया है ना? तो मुझे बस एक बार उसका नाम बता दो कि वो हमला किसने किया है। हमें मालूम होता तो हम उसे पहले नहीं पकड़ लेते। भीड़ का फायदा लेकर हमलावर हमला करके भाग गया, हम खुद उस हमलावर को ढूंढ रहे हैं। ढूंढिए, पर आपसे पहले मैं उसे ढूंढूंगा और सबके सामने मारूंगा, देख लेना। तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, शांत रहना। कानून हाथ में लेने की बात तो करना ही मत, और आप सब लोगों के यहाँ रुकने से कुछ होने वाला नहीं। सब निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं, जब तक आप डॉक्टर को नहीं छोड़ेंगे हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जैसे बजिया कह रहा है, आपने हमारे डॉक्टर को कुछ कर दिया तो। ओ, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ करते नहीं है, बल्कि हम गुनाह रोकते हैं। तो फिर ये हमला क्यों नहीं रोक सके? ओ शिंदे साहब बोलिए ना। ये देखिए, यहीं मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं अजीत कुमार देव के ऊपर हमला हुआ है। यही है वो जगह, डॉक्टर के यहाँ खड़े होते ही भीड़ में से आकर किसी ने हमला कर दिया। ये बहुत ही दुखद घटना है। पहले से ही लोगों का कहना है कि डॉक्टर जैसे भगवान के अवतार को बेवजह इस केस में फंसाया जा रहा है, और डॉक्टर पर हमला होना लोगों में चिंता का विषय है। अब इस पूरी स्थिति को देखते हुए इस पेचीदा केस में एक नया मोड़ आने की आशंका लग रही है। डॉक्टर अजीत कुमार देव, इनकी तबीयत पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। सारे महाराष्ट्र को अब एक ही सवाल सता रहा है कि डॉक्टर इस हमले से बचेंगे या उनकी जान को खतरा होगा। ये जानने के लिए आप देखते रहिए बी न्यूज, खबर की एक नई नज़र। मस्त चाय बनाओ ना, कड़क एकदम। पाँच बनाओ है? एक मुझे दो। है विजय भाई, एक काम करो, दो बनाओ, दो बनाओ। विजय भाई, डॉक्टर का पता चला? हाँ, बहुत गहरी चोट लगी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है किसने और क्यों हमला किया होगा उनके ऊपर। कैसा है वो अब? वो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर है ना, वो कह रहे थे कि चोट बहुत गहरी लगी है। मैं अभी तक वहीं था, चाय लेने आया था। सभी लोग वहीं है, वाड़े के लोग। बजिया, एक काम कीजिए ना, आप भी वहीं चलिए, हम उनसे मिलकर एक साथ घर चलेंगे। नहीं, तुम जाओ। आप गुस्से में हो ना? मतलब मुझे भी गुस्सा आया था उनके ऊपर, लेकिन आप ही बताइए अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। अगर सबूत सामने आएंगे ना तब सोचते ना डॉक्टर सच्चे है कि झूठे। मैं क्या कहता हूँ, चलिए जाकर देख के आते उन्हें। हाँ चलो। अरे नहीं कहा ना, जाओ तुम।
विजय भाई आप टेंशन में हो ना, बताइए ना। हाँ आप टेंशन में हो इसीलिए गुस्सा कर रहे हो, मुझे पता है, मुझे बताइए ना क्या हुआ, बताइए। तुझे जाने कहाँ ना नामिया। देखिए विजय भाई आप इतना परेशान मत होइए और इन सब से आप दूर ही रहिए। आप पहले ही रेशमा बाबी के केस से जैसे तैसे बाहर निकले हो, मुझे बताइए क्या हुआ, क्या हुआ है। नामिया केस से बाहर आया हूँ लेकिन रेशमा से कैसे बाहर आऊं, मेरे दिमाग में सिर्फ उसी की बातें चलती रहती है। उसी गुस्से के चलते मैंने गुस्से के चलते मतलब क्या, यहाँ ये क्या गुस्से के चलते क्या, मैंने ही हमला किया उस पर। हाँ डॉक्टर के ऊपर आपने हमला किया। हाँ नामे मैं सब कुछ सह सकता और मैंने बहुत कुछ सहा भी है लेकिन रेशमा की बदनामी नहीं सह सकता और ये आदमी मेरी भावनाओं के साथ खेल रहा था तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अरे विजय भाई आपने कितनी बड़ी गलती की आपको पता है क्या, अभी ये डॉक्टर बच गया तो ठीक है, उसका कुछ बुरा हुआ तो आप तो फंस जाओगे। अरे बजिया गांव पुलिस सब आपके पीछे लगेंगे। अब किसी बात का फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब सुनिए मैडम, मैडम पेशेंट को होश आ गया है। क्या नाम है भैया, बजे भैया डॉक्टर को होश आ गया है। क्या डिंपल नामिया डॉक्टर साहब को होश आ गया, अब हम सब की चिंता दूर हो गई, बहुत अच्छी खबर है ये। डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे। हे मारुति नंदन बजरंगबली आपका शुक्रिया शुक्रिया। डिंपल आप ही का नाम है। हाँ मैं आपको पेशेंट ने अंदर बुलाया है। ठीक है नाम्या भैया मैं अंदर जाती हूँ। नाम्या देखा डॉक्टर बच गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर क्या ये उन्हें को क्या हुआ, आप नहीं समझोगे कि पूरी रात हमने कैसे निकाली है। वैसे भी अगर मैं मर गया होता तो क्या फर्क पड़ता तुम्हें। हाँ तुम्हारा हीरोइन होने का सपना पूरा नहीं हो पाता है ना। आपके लिए इंसान की कोई कदर ही नहीं है ना, अब समझी आप तो अनाथ है ना, तो आपका दिल तो पत्थर का ही होगा, तो आपको कैसे कदर होगी दूसरे की। पता अगर घर के किसी जानवर को खाना देते है ना तो उससे भी प्यार हो जाता है, लेकिन आप आपके लिए तो कितना भी कुछ कर लो लेकिन आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाइए बाहर जाकर देखिए, बजिया भैया नाम्या भैया आपके लिए रात भर जगे हैं, वो आप जिंदा रहे इसके लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन नहीं आपको तो उसकी कदर ही नहीं है ना। नहीं नहीं डिंपल, आप लोगों ने प्रार्थना की इसलिए मैं मौत को छू कर वापस आया, जल्दी कोर्ट के दरवाजे से भी वापस आऊंगा देखना तुम। मैं छूट जाऊंगा डिंपल कंफर्म। डिंपल मेरा एक काम करोगी। बोलिए आराम से। जरा देखो बाहर कोई है क्या, इधर आओ पास आओ। मैं जो काम बोलता हूं वो ठीक से करना, इस काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता डिंपल, तुम्हें यह काम करना ही होगा, ये आखिरी काम है।
देवी सिंह, देवी सिंह, डॉक्टर, डॉक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तेरा स्टेटमेंट लेने आए हैं। डॉक्टरों ने वैसी परमिशन दी है क्या? क्या है कि ऐसी कंडीशन में स्टेटमेंट देना? तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी ऐसा डॉक्टर ने कहा है हमें। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम पर हमला किसने किया होगा? नहीं मुझे कुछ पता नहीं। तुमने किसी को देखा क्या? कैसे देखता, वहां तो बहुत भीड़ थी, शिकरे साहब थे। शिकरे साहब को पूछिए ना, शिकरे साहब वहां बहुत। ठीक है, तुम्हें किसी पर शक है? नहीं पता, किसी पर भी शक नहीं। तुम पर जो केस चालू है उसके चलते बदले की भावना से ऐसा कोई कर सकता है ना? नहीं, बहुत ही भोले भाले लोग हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। हमें ऐसा मालूम पड़ा है कि विजय शिंदे तुमसे मिलने जेल में आया था और तुम्हें धमकी भी दी थी। नहीं, वो बस गुस्से में आकर उन्होंने कुछ बोल दिया होगा। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई है, उस वजह से मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। शिकरे साहब को पूछिए, मुझे पूरा भरोसा है उन पर, वो ऐसा नहीं करेंगे। ए, तेरा यहाँ पर क्या काम? मेरा क्या है? ये क्या कर रहे हो यहाँ? जरूरी बातें कर रहे हैं ना, चलो निकलो यहाँ से। ये रखो। हाँ रखो। पहले तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, किसी से भी झगड़ा नहीं। गांव में किसी पर शक है क्या तुम्हें? नहीं, किसी पर कैसे शक कर सकता हूं, मैं कभी किसी से नहीं झगड़ता। नामिया, अ? डॉक्टर साहब की तबीयत तो ठीक है ना? ए नामिया, ए कहां खो गया तू? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ है, तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या है बता? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। तुझे सालों से जानता हूँ नामिया, डॉक्टर साहब को कुछ हुआ तो नहीं ना? जो भी है मुझे सच सच बता। नहीं नहीं डॉक्टर ठीक है। ये देख पुलिस भी चले गए, अभी तू मिल सकता है उनसे, जा। अरे कैसे मिलूं नामिया, मुझसे डॉक्टर साहब की ऐसी हालत देखी नहीं जाएगी। नामिया ये बजिया शरीर से एक पत्थर जैसा ही क्यों ना हो, पर मन से मोह, तू तो जानता ही है किसी अपने को तकलीफ होती है तो मुझे भी होती है, मेरे अपने हैं वो, मेरी मरी हुई माँ को जिंदा किया है उन्होंने, बहुत उपकार किए हैं, बहुत और ऐसे ऐसे भगवान के अवतार पर हमला, हमला क्या कुछ नहीं सहा इन्होंने, बता क्या क्या नहीं सहा। बचपन में ही अनाथ हो गए थे, जिस वजह से माँ बाप का प्यार तो कभी मिला ही नहीं, फिर भी कभी शिकायत नहीं की इन्होंने, कभी किसी पर गुस्सा तक नहीं किया, सबका ही अच्छा सोचा और अच्छा किया है इन्होंने, और इसके बदले में क्या मिला इन्हें, ये मिला। नामिया बजरंग बली की सौगंध है मुझे, जिस किसी ने भी हमला किया है ना, बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाना चाहिए, उसी वक्त उसे शमशान ना पहुंचा दिया ना, तो मेरा नाम भी बच जाना है। ए बजे चुप। बजिया भाई आप ठीक तो हैं? हाँ डॉक्टर को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं कुछ नहीं, डॉक्टर बिल्कुल ठीक है, आप लोग मिल सकते हैं। डॉक्टर मंगलताई,
आप कब आए? आराम से। डिंपल उन्हें मदद कर, उन्हें सहारा दे। आराम से, आराम से। मंगलताई, अच्छा हुआ आप यहाँ आए। आपको हमेशा बहुत फिक्र रहती है मेरी। अरे डॉक्टर, आप हमारे घर के ही तो हैं। आपका डिंपल से ब्याह नहीं हुआ तो क्या हुआ? हमने पहले ही आपको हमारा जमाई मान लिया है। अगर कुछ लगे तो बिना झिझक मांग लीजिएगा। मंगलताई, आपके हाथ का खाना बहुत मिस कर रहा हूँ। जल्द से जल्द वाड़े पर आना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर, जल्दी से अच्छे होकर घर आ जाइए। डॉक्टर, ये लीजिए। डिंपल, उनके हाथ में क्यों दे रही है? हाँ, समझ रही है ना, उन्हें तकलीफ होती है। ऐसे समय में अपने लोग फिक्र करते हैं तो जल्दी ठीक होते हैं। समझ रही है ना तू? चल खिला उन्हें। मंगलताई, रहने दीजिए, मैं खा लूंगा। हाँ मम्मी, डॉक्टर को उनके हाथों से खाने की आदत है ना। पिछली बार मैंने खिलाया था, तब मुझ पे ही गुस्सा हो गए थे वो। मंगलताई, वो बात यह है कि मैं हमेशा अपने उसूलों पर ही चलता हूँ, और अभी हमारी शादी नहीं हुई है तो मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। प्लीज बात को समझिए। ठीक है, आप अपने आप खा लीजिए। हाँ, ये लीजिए। जरूर मेरी बेटी ने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, इसलिए उसे इस जन्म में ऐसा पति मिल रहा है।